हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। हमारे चैनल में आपको खुशामदीद है। ड्रामा सीरियल मायरी की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फाखिर की माँ उसको कह रही होगी कि जिंदगी के जो पाप बंद कर दिए जाते हैं उन्हें दोबारा खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जिंदगी और ज्यादा उलझ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि सायका को अपने रैक में से एक जादू का गुड्डा मिलता है और एनी भी उसके साथ है। तब वो गुस्से से चीख रही होगी कि ये हम पर जादू टूने कर रही है ताकि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। उसका इशारा सीधा सीधा राहिला की तरफ होगा, क्योंकि वहाँ पर आयशा और फाखिर की माँ भी मौजूद होंगे, जो कि इस सब से बहुत ज्यादा नाखुश होंगे। उधर फाखिर और उसकी माँ ऑफिस में बैठे होंगे और उसकी माँ बहुत परेशान हो रही होगी कि उनका कारोबार बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, और वो ऑफिस में किसी से इस बारे में बातचीत कर रही होगी, लेकिन फाखिर मोबाइल पर बैठा गेम खेल रहा होगा। अगले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि फैमिली हबीब के साथ बातें कर रही होगी कि भाभी तो पूरे घर पर कब्जा करके बैठ गई है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। लेकिन हबीब उसे कहेगा कि हम सिर्फ हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि पूरे का पूरा कारोबार लेंगे। और फैमी और हबीब की ये बातें आयशा भी सुन लेगी और उसको बड़ी हैरत होगी कि ये घर में क्या साजिशें हो रही हैं। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि फाहिर जब घर आता है तो एनी उस पर गुस्सा करती है कि हमारी बेटी बुखार में तड़प रही थी। तो फाहिर उसे कहेगा कि भुगतो, मैं भी भुगत रहा हूँ, जिस तरह तुमने कम्प्रोमाइज किया है इस तरह मैं भी कर रहा हूँ। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल मायरी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।